नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 चेप्टर नंबर 6 कंटीन्यू करिए तो यहाँ प्रमेय 6.7 और प्रमेय 6.8 की बात करवानी छे। बराबर, प्रमेय 6.7 शू कहे छे तो त्रिकोणना त्रणेय खूणाना मापनो सरवाळो 180 अंश थाय छे। बराबर, आ आपणे प्रमेय साबित करीशुं आगळ। बराबर, हवे वात करूं बहिष्कोण, त्रिकोणनो बहिष्कोण। बराबर, त्रिकोणनो बहिष्कोण कोने कहेवाशे तेनी वात करी लऊं तो मारी पासे एक त्रिकोण छे ए बी सी अथवा तो डी ई एफ। बराबर, अने अहींथी मैं एक किरण दोरूं, अहीं नाम आपूं मैं ए बिंदु, तो आ जे छे ते त्रिकोणनो बहिष्कोण कहेवाशे। बराबर, बहिष्कोण कोने कहेवाय याद राखजो, खाली त्रिकोणना आधारे समजावुं। अने आ बहिष्कोणनो माप जे खूणो एने रिलेटेड खूणा सिवायना बाकीना बे बाजुना मापना सरवाळा बराबर थाय छे। आ बहिष्कोणनी त्रिकोणना बहिष्कोणनो नियम छे। बराबर, बहिष्कोणनो माप तेने अंतर्गत बाजू सिवायनी बाकीनी बे बाजुओना मापना सरवाळा बराबर थाय। देरफोर मैं कही शकूं त्रिकोण डी एफ ई ए इज इक्वल टू खूणो डी वत्ता खूणो ई। बराबर, बहिष्कोणनो माप ए त्रिकोणना खूणा सिवायना बाकीना बे बे खूणाना सरवाळा बराबर थशे। बराबर, हवे जोईए प्रमेय 6.8। सेम कहे छे, शुं कहे छे के जो त्रिकोणनी एक बाजूने लंबावता बाजूने लंबावामां आवे तो आ प्रकारे बनेल बहिष्कोण बन्ने अंतःसम्मुखकोण ना सरवाळा बराबर होय छे। जैसे मैं तमने कीधु ते रीते आनी जगह त्रिकोण एबीसी लई लो तो आ जे छे त्रिकोण एबीसी અને ડી બિંદુ તો આ છે તે બહિષ્કોણ થશે। ધેરફોર ખૂણો એ સી ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી। બરાબર, અંતઃ સમુકોણના ખૂણા બરાબર એટલે જે ખૂણો રિલેટેડ હશે બહિષ્કોણને એના સિવાયના બે ખૂણાના માપના સરવાળા બરાબર થશે એનું માપ। કોનું માપ? બહિષ્કોણનું માપ। બરાબર, તો હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 7 જોઈએ તો ઉદાહરણ નંબર 7 તમને કીધેલું છે અને આકૃતિ આપેલી છે, મેં આકૃતિ દોરી દઉં પહેલા। टी पी क्यू आर एस त्रिकोण आपेलो छे, अहीं एक्स खूणो आपेलो छे, अहीं वाई खूणो, अहीं एस आपेलू छे, टी बिंदु अहीं आपेला छे 40 अंशनो खूणो अने अहीं आपेलो छे 30 अंशनो खूणो। આપણે ખૂણો એક્સ અને ખૂણો વાય શોધવાના છે। બરાબર, ખૂણો એક્સ અને ખૂણો વાય, ધેરફોર મેં કહી શકું ખૂણો ટી ક્યુ આર માં। બરાબર, ત્રણેય ખૂણાના માપનો ટી ક્યુ ને આર ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય તો આ 90 થશે। ધેરફોર મેં કહી શકું 90 અંશ વત્તા 40 અંશ વત્તા ખૂણો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 અંશ ત્રિકોણના સરવાળાના ગુણધર્મને આધારે। ધેરફોર ખૂણો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં 180 અંશ માઇનસ 9 × 10 = 130 અંશ। ધેરફોર ખૂણો એક્સ કેટલો આવશે? 50 અંશનો આવશે। બરાબર, સરળ છે એક્ઝામ્પલ, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો એસ પી આર વત્તા એક્સ પ્રમેય 6.8। બરાબર, પ્રમેય 6 એટલે બહિષ્કોણનું માપ છે, કયો ખૂણો વાય એ કયા ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ છે? એસ પી આર, આ બહિષ્કોણનું માપ એસ પી આર અને આ ખૂણો એટલે કે પી આર એસ ની જગ્યાએ એક્સ ખૂણાનું માપ આપેલું છે। ધેરફોર મેં એક્સ લઈ લીધા છે। ધેરફોર વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 અંશ વત્તા 50 અંશ, ધેરફોર કેટલા અંશ? 80 અંશ। કોનું માપ? વાય ખૂણાનું માપ। એવી જ રીતને ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ। ઉદાહરણ નંબરમાં આકૃતિમાં આ રીતે આપેલું છે અને આપણને ખૂણો માંગેલો છે, કયો ખૂણો? બી ઓ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 90 અંશ માઇનસ 1/2 ખૂણો બી એ સી આપણે સાબિત કરવાનું છે। બરાબર, જે આપેલું છે તે લઈએ, પહેલાં તો
फर्स्ट आपेलू छे किरण बी ओ ए खूणो सी बी ई नो द्विभाजक छे, बराबर खबर छे द्विभाजक छे अहीं आपेलू छे आपणने। जो द्विभाजक होय तो खूणो सी बी ओ इज इक्वल टू वन बाय टू, खूणो सी बी ई इज इक्वल टू वन बाय टू, 180 अंश माइनस वाई, देरफोर 90 अंश ओछा वाई बाय टू, इक्वेशन नंबर वन, बराबर। आवी ज रीते आज रीते किरण सीओ ए खूणो बी सी डी नो द्विभाजक छे, बराबर। जो एनो द्विभाजक होय तो मैं कही शकू खूणो बी सी ओ इज इक्वल टू वन बाय टू, खूणो बी सी डी इज इक्वल टू वन बाय टू, खूण 180 अंश माइनस जेड इज इक्वल टू 90 अंश माइनस जेड बाय टू, इक्वेशन नंबर टू। त्रिकोण हवे ले त्रिकोण बी ओ सी मां खूणो बी ओ सी वत्ता खूणो बी सी ओ वत्ता खूणो सी बी ओ इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर थ्री, बराबर। तेरफोर परिणाम एक बे अने त्रण पर थी, परिणाम एक बे अने त्रण पर थी मैं कही शकूँ के खूणो बी ओ सी वत्ता 90 अंश माइनस जेड बाय टू प्लस 90 अंश माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू 180 अंश, बराबर। आ 9 × 2 = 18 एट 180 निकली जैसे, देरफोर खूणो बी ओ सी इज इक्वल टू जेड बाय टू वत्ता वाई बाय टू थे, बराबर। बने खूणा सरखा थे, जो खूणो सरखो थे तो मैं खूणो बी ओ सी इज इक्वल टू वन बाय टू खूणो वाई वत्ता खूणो जेड लखी सकूँ, इक्वेशन नंबर फोर, बराबर। आ रीते लखी सकूँ मैं खूणो वाई प्लस जेड, बराबर। खूणो नहीं दर्शाऊ तो भी चलते, हमें वाई प्लस जेड लखी दू, बराबर। परंतु मने खबर छे के त्रिकोण त्रणेय खूणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, केम? कारण के आज ए बी सी त्रिकोण छे तेमां एक्स प्लस वाई से त्रिकोण थशे, बराबर। देरफोर मैं वाई प्लस जेड इज इक्वल टू केटला 180 अंश माइनस एक्स, बराबर। तो आ पछी परिणाम चार नु परिवर्तन, देरफोर खूणो बी ओ सी इज इक्वल टू वन बाय टू 180 अंश माइनस एक्स, बराबर। देरफोर अहीं आवशे 90 अंश माइनस एक्स बाय टू, बराबर, इज इक्वल टू 90 अंश माइनस वन बाय टू। एक्स खूणानु माप केटलू छे? ए बी सी अथवा तो बी ए सी, बी ए सी। देरफोर 90 अंश माइनस खूणो बी ए सी वन बाय टू, बराबर। जे आपणे शोधवानुं हतुं ते मळी गयुं उदाहरणमां, खूणो बी ए सी आपणो 90 अंश माइनस वन बाय टू खूणो बी ए सी अथवा तो सी ए बी बराबर साबित करवानुं हतुं। खबर पड़ी विद्यार्थी मित्रों? तो सरळ छे एक्जाम्पल, तमने खबर पड़ी जशे, बराबर। थोड़ुंक ध्यान आपजो, बराबर। आकृति परथी लखवानुं छे, आकृतिमां शुं कहेवा मांगे छे ते समजवानुं अने लखवानुं। હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું, થેન્ક યુ।